पब्लिक टीवी आपकी आवाज। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आजमगढ़ के सांसद अखिलेश यादव के नेतृत्व और समाजवादी पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने 22 जून को समाजवादी पार्टी में शामिल होने की घोषणा की और साथ ही जिलाध्यक्ष जयवीर यादव ने उन्हें विधिवत समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। इस्लाम नगर भूर पागबड़ा मुरादाबाद के अनेकों युवा सपा छात्र सभा के निवर्तमान जिलाध्यक्ष फरीद मलिक एडवोकेट तथा निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष युवा सपा नेता फाजिल मलिक की अगुवाई में चक्कर की मिलक मुरादाबाद से सपा कार्यालय पहुंचे, जहां पर सपा जिलाध्यक्ष जयवीर सिंह यादव ने मोहम्मद इरफान सलमानी तथा उनके साथियों को समाजवादी पार्टी में शामिल करने का ऐलान किया, सदस्यता की रसीद प्रदान की और फूल माला पहनाकर सभी युवाओं का समाजवादी पार्टी में स्वागत किया गया। हमारे फरीद मलिक और फाजिल मलिक के सहयोग से मोहम्मद इरफान और समाजवादी पार्टी में अपने बहुत से साथियों के साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन करिए। हमारे तमाम नौजवान साथी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की नीतियों और काम को देखते हुए समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी नौजवानों पर विशेष रूप से, चाहे बेरोजगारी भत्ता हो, लैपटॉप हो और तमाम ऐसी योजनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार में चली थी, उसी से सब प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। मैं सब अपने नौजवान साथियों को बधाई देना चाहता हूं समाजवादी पार्टी में शामिल होने पर, इनको बहुत बहुत बधाई और समाजवादी पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करेंगे, मुझे ऐसी इनसे उम्मीद है और समाजवादी पार्टी को बूथ स्तर पर मदद करेंगे, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। मैं समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर इनका सभी का स्वागत करता हूं। और 6 महीने से बूथ लेवल पे अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं और किसी एक वरिष्ठ पत्रकार ने जब मैं महानगर अध्यक्ष बना था तब ये कहा था कि बूथों पे बहुत मुश्किल है, तो आगामी 2-3 महीनों में हम एक बहुत बड़ी बूथ सम्मेलन करवाना जा रहे हैं और उसी की ये छोटी सी एक वानगी है कि आज ये लोग हमारे साथ जुड़े हैं और अभी बहुत बड़े स्तर पे ज्वाइनिंग होना बाकी है। क्या अपेक्षा करते हैं इन युवाओं से जिन्होंने आज समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है? देखिए, बुजुर्गों का साथ और युवाओं का, बुजुर्गों का हाथ और युवाओं का साथ, तभी जो है 22 हम लोग फतेह कर पाएंगे और जनता में रोष है, इसलिए युवाओं को हम जोड़ रहे हैं। युवा ही बूथ पे जाकर लड़ेगा, युवा ही बूथ पे जाकर अपनी विचारधारा को एक्सप्लेन करेगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।